अगर आप भी कम खर्च में कोई हेल्दी और टेस्टी मिठाई बनाना चाहते हैं तब आप एक बार ये पीनट बर्फी ज़रूर ट्राई करके देखें। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर 250 ग्राम जितनी पीनट्स। इसे एकदम धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पलटते हुए भुनने देंगे। याद रखें, आप मूंगफलियों को तेज आंच पर ना भूनें, बस इसे धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे जिससे मूंगफली का जो ऊपर का छिकल है वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ मुझे मूंगफली को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अभी हल्का सा रब करके देखेंगे, बहुत ही आसानी से इसके छिकल निकल रहे हैं। अभी हम इन पूरी गर्मा गर्म मूंगफली को एक अलग कपड़े पर निकाल लेंगे। हल्का सा इस तरीके से रब करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से मूंगफली के छिकल अलग हो रहे हैं। याद रखें, इस प्रोसेस को आप गर्मा गर्म मूंगफली के साथ करें। तो यहाँ मैंने पूरी मूंगफली को अच्छे से साफ कर लिया है और जितने भी एक्स्ट्रा अलग छिकल थे उसे मैंने अलग निकाल दिया है। अभी हम इन मूंगफली को लेकर इसे एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम इसका पल्स मोड पर पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। याद रखें, एक साथ बहुत ज़्यादा देर के लिए इसे ना पीसें, अदरवाइज़ मूंगफली का जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाएगा जिससे आपका जो पीनट पाउडर है वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। पूरी मूंगफली को पल्स मोड पर पीसने के बाद इसे एक छन्नी में डाल देंगे और साथ ही डालेंगे हम इसमें 50 ग्राम जितना मिल्क पाउडर। मेज़रमेंट आपको यही फॉलो करना है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। पूरे पीनट के पाउडर को अच्छे से छान लेंगे। थोड़े बहुत दाने रह गए हैं तो इसे हम ऊपर अलग निकाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमारा बहुत ही परफेक्ट पीनट पाउडर बनकर तैयार हुआ है। बस याद रखें, आप इसे लगातार ना पीसें। अभी हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए एक पैन में डालेंगे 200 ग्राम जितनी चीनी, साथ ही हम इसमें डालेंगे 100 ml जितना पानी। पूरी चीनी को पानी में अच्छे से घुलने तक पकने देंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम मूंगफली ली थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी की चाशनी बनाई है। हमें यहाँ पर तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, बस एक बार चीनी पानी में घुल जाए इतना ही पकाएंगे इसे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। साथ ही हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाकर तैयार किया था उस पूरे पाउडर को भी इसमें ऐड कर देंगे। धीमी धीमी आंच पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरे पाउडर को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसे धीमी धीमी आंच पर अच्छे से पकने देंगे। याद रखें, इसे तेज आंच पर ना पकाएं, एकदम धीमी धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक मिक्सचर जो है कढ़ाई को एकदम अलग ना छोड़ने लगे। इस मिक्सचर को पकाते हुए मुझे लगभग 2 से 3 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं अभी जो मूंगफली का मिक्सचर है कढ़ाई को एकदम अलग छोड़ने लगा है। तो बस इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना ये देसी घी। घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे इस मूंगफली के मिक्सचर को चलाना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर आपको ऐसे समझ ना आए कि मिक्सचर जो है वो अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं, तो आप इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर इस तरीके से स्पून पर लीजिए और इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए। जब मिक्सचर अच्छा ठंडा हो जाएगा तब आप हाथों पर इसकी गोली बनाकर देखें। अगर ये हाथों पर चिपक नहीं रहा है और ईजिली इसकी अलग गोली बन रही है, यानी मिक्सचर अच्छे से पक चुका है। तो बस अभी हम इसे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पूरी मूंगफली के मिक्सचर को लगातार चलाते हुए अच्छे से ठंडा होने देंगे। याद रखें, इस स्टेज पर इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चलाएंगे नहीं तो इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी जिसकी वजह से बर्फियाँ जो हैं वो उतनी अच्छी नहीं बनेंगी। पूरे मिक्सचर को अच्छे से ठंडा करने के बाद अब हम इस मूंगफली के मिक्सचर को एक अलग पॉलीथीन पर निकाल लेंगे। पॉलीथीन पर निकालने के बाद इसे अच्छे से मलेंगे, क्योंकि मिक्सचर गर्म है, अगर आप हाथों से करेंगे तो हाथों को जलने का डर रहेगा, इसीलिए पॉलीथीन से करें, काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। अच्छे से मलेंगे इसे 1 मिनट तक,
जिससे मूंगफली की जो बर्फी है उसमें बहुत ही अच्छी शाइन आएगी। पूरे मिक्सर को अच्छे से मलने के बाद और इसे एकदम स्मूथ करने के बाद अब हम इसकी हल्की मोटी शीट बेलकर तैयार करेंगे। आप इसकी शीट उतनी ही बड़ी बेलें जितनी आपको बर्फियों को पतला या मोटा रखना है। तो बस हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से बेलते जाएंगे इसे। मैंने बर्फी को हल्का थिक रखा है जिससे ये देखने में और सर्व करने में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। थोड़ा सा लगा देंगे हम इसके ऊपर ये चांदी की बर्फ और अब हम इसे बराबर पीसेस में कट करेंगे। बराबर पीसेस में कट करने में जो बर्फियाँ हैं वो सर्व करने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मैं यहाँ पर आज से एकदम काजू कतली की शेप दे रही हूँ, इसीलिए मैं इसे डायमंड शेप में कट करूँगी। आप चाहें तो इसे स्क्वायर पीसेस में भी कट कर सकते हैं। देखने में लग रही है ना एकदम काजू कतली जैसी, बट ये मूंगफली की बर्फी हैं तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं और साथ ही हेल्दी भी होती हैं। तो बस अभी हम इसे अलग निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से आप इन बर्फियों को बनाकर एयर टाइट कंटेनर में काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी रख सकते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी हल्का फुल्का मीठा खाने का मन करे तब आप इस बर्फी को ज़रूर ट्राई करके देखें। बहुत ही कम दाम में बनकर तैयार होती हैं और खाने में लगती हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो एक बार फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके की एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।